वैसे तो इतनी ठंडक नहीं है अभी मौसम में फिलहाल, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है, मगर हो सकता है शाम के वक्त यहाँ पर काफ़ी ठंडक हो जाए। जी हाँ, जगह देख के तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। जी हाँ, ले आए हैं आपको एक बार फिर माथेरान का नज़ारा दिखाने के लिए। स्पेशल इन्विटेशन आया था हमें साइबान होटल और रिजॉर्ट की तरफ से। हमारा एक पिछला भी ब्लॉग है यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर, साइबान रिजॉर्ट का हमने पूरा एक्सप्लोर किया था, आपको पूरी डिटेल दी थी। मगर आज इस वक्त जब आप यहाँ पर आए हैं तो उसका मकसद थोड़ा सा डिफरेंट है। जो यहाँ के रूम्स थे जो थोड़े पुराने हो चुके थे उसको न्यूली इंटीरियर किया गया है, पूरा डेकोर चेंज किया गया है। तो रिजॉर्ट वही है साइबान पुराना, गार्डन वही है, मगर इसके रूम्स नए हैं। चलिए चल के आपको बताते हैं साइबान होटल। एरिया है, गार्डन एरिया है, यहाँ पर फाउंटेन है, झूले हैं बच्चों लोगों के लिए, स्विंग्स है, और फैमिली के लिए माशाल्लाह से अच्छी बैठक भी है, और फैमिली के लिए बड़ा झूला भी है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। का इंडोर किड्स का एरिया है, यहाँ पर टेबल टेनिस का टेबल है, अगर आप टेबल टेनिस के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। प्लस कैरम भी यहाँ पर अवेलेबल है, और बच्चे लोगों के लिए प्रैम, बच्चे लोगों के लिए छोटी सी साइकिल, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और चलते हैं अभी यहाँ पर रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पर आप सुबह में ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है, लंच और डिनर। वो रेस्टोरेंट एरिया भी देख, टेक्सचर्ड वॉल्स आ गई हैं, फॉल सीलिंग नई बन चुकी है, बेड्स चेंज हो चुके हैं, फ्लोरिंग भी चेंज हो चुकी है, एवरीथिंग, एनी वन द एलईडी टीवी, स्मार्ट एलईडी टीवी आ गया है यहाँ पर, और बाथरूम भी न्यूली डेकोर्ड है। बाथरूम भी चल के देखते हैं, ये पहले आप रूम देख लीजिए, यहाँ पर एवरीथिंग हैज बीन चेंज हो गया, हर चीज, एवरीथिंग हैज बीन डन, यहाँ पर हर चीज चेंज हो चुकी है, स्टेट फ्रॉम एवरीथिंग, और रूम का डेकोर भी चेंज हो चुका है, और टेक्सचर्ड वॉल आ गई है, ये थोड़ा डार्क टेक्सचर्ड थीम है, एयर कंडीशन रूम है यहाँ पर, सामने वार्डरोब के लिए अपने आपके लगेज वगैरह रखने के लिए यहाँ पर स्पेशियस स्पेस भी बना दी गई है। और एज यू कैन सी बाथरूम नीट क्लीन हाइजीनिक, बिल्कुल नई टाइल्स, एवरीथिंग हैज बीन डन, यहाँ तक के शावर, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड, तो काफी न्यूली डेकोरेटेड है और काफी स्पेशियस लग रहा है, खुला खुला लग रहा है पहले के मुकाबले, और बहुत नीट और क्लीन लग रहा है। तो दूसरे रूम भी चल के देखते हैं वहां पर उनका डेकोरेशन कैसा है और उनका इंटीरियर कैसा। आइए, डीलक्स रूम है, मैंने कहा था ना सारे रूम्स के इंटीरियर और डेकोर चेंज हो चुके हैं, तो ये भी देखिए, ये थोड़ा लाइट ब्राउन इंटीरियर है, सामने टेक्सचर्ड वॉल है, थोड़ी डार्क थी, बेड हर चीज चेंज हो चुकी है, एलईडी स्मार्ट टीवी आ चुके हैं, वार्डरोब हैज बीन रीडिजाइन, वार्डरोब भी काफी चेंज हो चुके हैं, नया सोफा सेट आ गया है, और सोफा सेट भी है कम बेड भी है, आप इसको स्ट्रेच करके बेड भी बना सकते हैं, और बाथरूम भी देखिए आप, नीट एंड क्लीन, हर चीज यहाँ पर चेंज हो चुकी है, नीट क्लीन स्पेशियस लग रही है और हाइजीनिक। सो ये यहाँ का डीलक्स रूम था, और भी दूसरे रूम्स हैं वो भी चल के आप देखते हैं, आइए हमारे साथ। फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं छोटा सा विला, ये भी रीडिजाइंड और रीडेकोर हो चुका है, तो इसको भी अंदर चल के देखते हैं। बड़ा रूम है, 5 लोग अकोमोडेट कर सकते हैं, इसका भी इंटीरियर चेंज हो चुका है, चलिए आपको दिखाते हैं, आइए। As I said, यहाँ पर सारी चीजें डेकोर चेंज हो चुकी है, फॉल सीलिंग भी चेंज हो चुकी है, बेड्स चेंज हो चुके हैं, वॉल्स टेक्सचर चेंज हो चुका है, डार्क और थीम और लाइट थीम का है, वार्डरोब भी नया वार्डरोब भी आ चुका है, और बाथरूम के अंदर भी काफी नीट एंड क्लीन, और सब टाइल्स वगैरह हर चीज यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो जितने जो पुराने रूम्स थे यहाँ पर वो सारे रूम न्यूली इंटीरियर हो चुके थे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप साइबान रिजॉर्ट में आएंगे,
आपको इसी रूम में वेलकम किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज अनदर रूम। ये भी जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे रूम्स यहाँ पर इंटीरियर चेंज हो चुका है न्यूली। एज यू कैन सी द फॉल्स सीलिंग हैज बीन चेंज, बेड्स भी नए बेड्स आ चुके हैं, LED स्मार्ट टीवी आ चुका है, द न्यू कर्टन्स हैज बीन डन, एवरीथिंग हैज बीन डन और काफी स्पेशियस। और एज यू कैन सी यहाँ पर का जो फ्लोर है वो फ्लोर भी चेंज हो चुका है। एंड द मेन थिंग द बाथरूम एरिया एवरीथिंग हैज बीन रीडन, रीडेकोर। जैसे कि आप देख सकते हैं नए शावर्स, नए फ्लोर, नई टाइल्स, काफी नीट क्लीन और बहुत स्पेशियस बाथरूम लग रहा है इस वक्त। तो यहाँ पर के जितने भी पुराने रूम्स है सबका इंटीरियर चेंज हो चुका है जैसे मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप साहिबान आएंगे तो आपको ये स्पेशियस और न्यूली डेकोर रूम ही मिलेंगे। साहिबान होटल का मैंने पूरा नज़ारा, एक्सटीरियर और रूम्स, इंटीरियर, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। आप काफ़ी वाकिफ हो चुके हैं हर नज़ारा देख के। अब डायरेक्ट मिलेंगे आपको, ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो चुका है और लंच भी गर्मा गर्म सर्व होने वाला है, तो बाकी बातें लंच टेबल पे करेंगे। सी नाउ इट्स टाइम फॉर द लंच। जी हाँ, साहिबान रिजॉर्ट का जो पैकेज है, वंस यू बुक द रूम हियर, उसके साथ ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर कॉम्प्लीमेंट्री है। और यही नहीं, यहाँ पर लंच और डिनर है वो भी नॉन वेज। पिछली बार भी हमने यहाँ पर का डिनर एंजॉय किया था, बहुत ज़बरदस्त और बहुत डिलीशियस था। मगर आज का मेन्यू आपको बताते हैं। आज मेन्यू के अंदर है चिकन मसाला फ्राई और वी हैव हियर चना मसाला, उसको साथ में है अकम्पनी चपाती है, वी हैव राइस हियर और यहाँ पर दाल फ्राई है, साथ में वी हैव सैलड, पापड़, अचार एंड द डेजर्ट के अंदर आज है सूजी का हलवा। सो चलिए ट्राई करते हैं साहिबान का लंच। तो ऑल दोज नॉन वेज लवर्स जो भी माथेरान आना चाहते हैं और नॉन वेज का मज़ा लेना चाहते हैं, साहिबान से बेहतर जगह और कोई नहीं। साहिबान होटल माथेरान का दिन का नज़ारा तो हमने आपको बता दिया कि दिन में ये रेस्टोरेंट कितनी कलरफुल और वाइब्रेंट लगती है, मगर स्पेशली रात का जो शाम का जो नज़ारा होता है ना, ये बड़ा कमाल का होता है। हल्की हल्की धीमी लाइट जल रही होती है गार्डन में, रेस्टोरेंट एरिया में, और स्विमिंग पूल के अंदर जो लाइट जल रही होती है, वहाँ का जो माहौल है ना, एक बहुत ही पुरसकून और अमेजिंग लुक है। चलिए आपको दिखाते हैं साहिबान रिजॉर्ट जो होटल है माथेरान में, इसका रात का व्यू कैसा नज़र आता है। स्विमिंग पूल का जो रात का नज़ारा है ये बहुत ही सुकून वाला और इत्मीनान वाला है। जैसे कि आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है, जैसे कि वक्त थम गया है यहाँ पर। और ये यहाँ का जो एरिया है प्ले एरिया है, मतलब आप अगर खाट पे लगा के बैठना चाहते हैं शाना अंदाज में तो बैठ सकते हैं। एंड दिस इज़ द हेरिटेज बंगलो, पुराना हेरिटेज बंगलो है। अगर आपकी बड़ी फैमिली 18 से 20 लोगों की, तो ये पूरा बंगलो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पर बुक करा सकते हैं। तो बज रहे हैं 9 और हो गया है डिनर का वक्त। लंच तो हमने आपको दिखा दिया था, अब डिनर में क्या है चल के देखते हैं डिनर टेबल पे। आइए, अब बारी है डिनर की। हाँ, और ये डिनर का मेन्यू यहाँ पर ऑलरेडी सेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया एवरीडे अल्टरनेट मेन्यू चेंज होते रहता है। तो आज का जो डिनर का मेन्यू है वो है चिकन कौरमा, आलू मटर, स्टीम राइस विद दाल फ्राई, चपाती, पापड़, सैलड और स्वीट डिश में है गुलाब जामुन। तो चलिए खाते हैं गुलाब जामुन। नॉन वेज तो साहिबान रिजॉर्ट का अच्छा ही है, मगर इसका वेज भी कमाल का होता है। अब है आज दाल तड़का, तो शुरुआत करते दाल तड़के से। मौसम के हिसाब से दाल थोड़ी हल्की ठंडी हो गई है। एक बात मैं और आपको बता दूं, माथेरान का जो इस वक्त का टेम्परेचर है 21 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, काफ़ी ठंड है। तो हम रिजॉर्ट के अंदर बैठे थे, हमें पता नहीं चल रहा। तो अभी ये आलू मटर की जो सब्जी है विथ कैप्सिकम, ये भी खा के देखते हैं। ऐसे हल्के हल्के ठंडे ठंडे मौसम में वेज खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो चलिए एक स्टेप फर्दर अभी बढ़ते हैं चिकन कौरमे की तरफ। चिकन कौरमे का सालन बना हुआ गरम गरम रोटी के साथ, हल्का चटपटा बना है। लंच में जो चिकन मसाला था वो थोड़ा थिक ग्रेवी थी,
हल्की पतली ग्रेवी है, कंसिस्टेंसी उसकी पतली मगर टेस्ट में बहुत अच्छा है। हल्के मसाले में बना हुआ खट्टा मीठा चिकन कोरमा। और साइबान रिजॉर्ट के अंदर सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट है उसके अंदर वेराइटीज़ मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर है पोहा, पोहा है, यहाँ पर ऑमलेट है, और यहाँ पर है भुर्जी, और यहाँ पर है हाफ फ्राई, और ब्रेड बटर जैम टी एंड कॉफ़ी अनलिमिटेड। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं साइबान रिजॉर्ट माथेरान में। तो माथेरान का करंट इस वक्त टेम्परेचर 23 डिग्रीज सुबह सुबह, और 23 डिग्रीज के अंदर गरम गरम ऑमलेट खाने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पर थोड़ा मसालेदार चटपटा भुर्जी लग रहा है, वो भी ट्राई करते हैं। गरम गरम भुर्जी है, मज़ेदार। साइबान रिजॉर्ट का जो हमारा सफ़र था वो ख़त्म हो गया है। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही दिन हमको यहाँ पर रुकने का मौका मिला, एज़ वी हैव टू रश टू मुंबई, वहाँ थोड़ा काम है। मगर महेश भाई का मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी महेश भाई। ये यहाँ के मैनेजर हैं एंड ही हैज़ टेकन अ वेरी गुड केयर ऑफ अस। इनका टेलीफोन नंबर यहाँ का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जब भी नेक्स्ट टाइम आप माथेरान के लिए प्लान करें और साइबान अगर आप आना चाहें तो प्लीज़ इन्हें कॉल कर लीजिएगा, अवेलेबिलिटी चेक कीजिएगा, रेट चेक करिएगा, कन्फर्म करने के बाद आप डेफिनेटली साइबान रिजॉर्ट में विजिट कीजिएगा। महेश भाई थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सो अब हमें चलना होगा, ये हमारा आखिरी दिन था यहाँ पर, हमें अनफॉर्चुनेटली एक ही दिन रहने का मौका लगा। तो चलते हैं इंशाल्लाह ताला, जल्द मुलाकात करेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ एक नई जगह पे। तब तक के लिए तारिक खत्री को अलविदा कहिए।